नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कन्हैया दास। कहाँ से आए हो सर आप? मैं एमपी से हूँ, रतलाम जिले से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब ली अपने 11 सितंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले अन्य देवी देवता की भक्ति करते थे हम लोग, और यहाँ आने से पहले मैं राधा स्वामी के पंथ में भी जाने लग गया था सत्संग सुनने के लिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा बोला कि ये राधा स्वामी वाले जो हैं पांचों नाम काल के देते हैं, तो मैंने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। और ऐसा फिर दूसरे दिन फिर ऐसा ही बोला गुरु जी ने, तो फिर मैंने फिर टीवी ऑफ कर दिया। फिर दो बार ऐसा करा, तीसरी बार तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी अंदर से मुझे, तो मैंने कहा ये क्या कहना चाहते हैं राधा स्वामी के बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा करके मैंने सुना तो संत रामपाल जी महाराज ने गीता खोल के दिखाई हमारे को, गीता के अंदर जो बताया हमारे को प्रमाण और राधा स्वामी का पंथ का बता रहे थे। उसके बाद में फिर गीता जी बताई, तो गीता जी के अंदर जो श्लोक लिखे हुए थे उसमें बताते कि जो भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग को जाते हैं, और पितर की पूजा करने वाले पितृलोक को जाते हैं, और देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसा मतलब जो बता रहे थे। तो ये सवाल मेरे के अंदर बार बार उठ रहा था, क्योंकि गीता जी का पाठ मैं 30 साल से कर रहा था, और मुझे कुछ विश्वास हुआ कि नहीं ये गुरु जी कुछ बता रहे हैं, तो इनके शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं इनके पास कुछ ज्ञान है तो सुनना चाहिए। तो मैंने सत्संग इनका सुनना प्रारंभ किया, काफ़ी टाइम से सुनता रहा 3-4 महीने तक मैं सुनता रहा, तो ये इंटरव्यू भी सुनता था भक्तों का। तो इंटरव्यू से प्रभावित हुआ मैं कि भाई इन लोगों का जब इतना लाभ हो रहे हैं इन भक्तों के, तो हमारा भी कोई लाभ हो सकता है। तो 2012 में मेरा मकान बनाया था, तो उसमें कुछ काम बाकी रह गया था और कर्जा भी मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अपना काम जो है रुकवा दिया था कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कर्जा ज़्यादा कर लूँगा तो फिर मेरा मकान बिक जाएगा, ऐसा करके मैंने काम रुकवा दिया था। फिर यह सत्संग सुनते सुनते मेरे इंटरव्यू से मैं प्रभावित हुआ, और भाई इनका ऐसा काम हो रहा था कि मालिक मेरा भी ये कर्जा अगर सिर से उतर जाएगा तो मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा। ऐसा करके फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, और वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला मेरे को, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। हम भगवानों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे भगवान कौन है, और ये मैं बचपन से ही मैं सोचता रहता था, सभी लोग साधु संत बताते हैं कि ये भगवान सबका परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो मेरे मन में ऐसे विचार उठते थे कि कोई हिंदू बन के बैठा है, कोई मुसलमान बन के बैठा है, कोई सिख बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है, सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, सभी अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान एक है कौन? ऐसे सारे मेरे अंदर ऐसे सवाल मेरे को ऐसे होते रहते थे। मतलब फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से फिर मुझे ये पता चला कि परमात्मा सबका मालिक कबीर परमात्मा है। और मेरे लीवर डैमेज थे, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं शराब बहुत पीता था, मांस खाता था, और एक एक दिन में 3-3 सिगरेट के पैकेट पीता था, और मेरे लिवर डैमेज हो चुके थे। और दाहोद के अंदर एक अर्बन हॉस्पिटल करके है, वहाँ मैं गया था और वहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया था, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करके और ब्लड की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बताया कि बोले आपका लिवर डैमेज है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर अगर लिवर मेरा डैमेज है तो इसका कुछ इलाज तो होगा, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला कि बोले आप नशा करते थे? मैं करता था। तो बोले आप 1 या 2 साल के मेहमान हो, अब इसका कोई इलाज, लेवर ही डैमेज होगा तो आपका कुछ नहीं बचा, आप ऐसा करके मेरे डॉक्टर ने ना बोल दिया था, बोले आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकोगे। खाना मुझे 2 रोटी खाता था तो 2 रोटी से ज़्यादा हजम नहीं हो पा रही थी मेरे से, और बस 2 रोटी खाने के बाद में मेरे को जो आँखों में नींद आती और सो जाता, मेरे से काम भी नहीं होता था और खड़ा भी नहीं रह पाता था मैं। अब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद वो धीरे धीरे बीमारी कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, और मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता था, तो वो सारा दर्द मेरे को परेशान करता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और वहाँ से आशीर्वाद लिया मैंने गुरु जी से, और गुरु जी से प्रार्थना लगी, गुरु जी मेरा सिर में दर्द रहता है, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया मुझे कि बेटा परमात्मा ठीक करेंगे, भक्ति करते रहो। तो वो दर्द भी मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे अभी तक सिर का दर्द आज दिन तक नहीं हुआ। और एक बार मैं दाहोद में रहता था, वहाँ से मैं अपना जो बिजनेस करने के लिए सुबह सुबह निकलता था,
7 बजे का टाइम था, मेरे साथ में एक भगत जी और थे, हम दोनों जने जा रहे थे गाड़ी लेके, और सामने से एक अपाची गाड़ी वाला 80 की स्पीड में आ रहा था और मेरे ये पैर का जो पिंडी है इसके ऊपर इतना जोर से टक्कर मारा तो मेरे तो उस टाइम पे आंखों में अंधेरा सा छा गया था और मैं अपने आप के अंदर से महसूस जो कर रहा था मैं कि मेरा पाँव आज टूट गया है और मेरी पाँव बिल्कुल अलग हो गया, पता नहीं क्या मालूम कितने 2-3 लाख का खर्चा हो जाएगा, और मैं घबरा गया था अचानक, और मेरे को एकदम होश आया और मैंने याद किया, मैंने कहा मैं तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण हूँ, मेरा तो पाँव ऐसा टूट ही नहीं सकता है। और फिर जैसे मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और पाँव की तरफ देखा तो सूजन आ चुका था पाँव में, और फिर अपने आप को महसूस किया मैंने कि नहीं मेरा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे साथ में ऐसा बड़ी घटना नहीं हो सकती, यूँ करके मैं मेडिकल पे गया और सिर्फ 10 रुपये का मैंने एक ट्यूब लिया और कुछ दवाई गोली ली डॉक्टर से, मैंने कहा दर्द बंद होने की और सूजन उतरने की मेरे को गोली दे दो। तो आप बात नहीं मानोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा सूजन भी उतर गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा, मेरे को कोई पाँव में टूटा फ्रैक्चर नहीं हुआ। और मेरी माता जी जो है एक दो बार अकेला वो घर के अंदर तान पे झाड़ू लेके साफ सफाई कर रहे थे तो 2 बार वहाँ से गिर गए थे, तो एक बार तो सिर में चोट लगी थी उनकी, और मैं गांव में गया हुआ था मेरे गांव में, तो वहाँ से मेरे ऊपर फ़ोन आया कि आपकी माता जी गिर गए, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी चोट लगी और खून बहुत सारा निकल गया है और आप जल्दी से आ जाओ। तो मैंने कहा मैं इतना दूर हूँ और वहाँ तक जाऊँगा इतना तो बहुत समय हो जाएगा, तो मैंने कहा आप हो सकता है किसी डॉक्टर को दिखा दो। तो वो डॉक्टर के पास में गए तो वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका हाथ का फ्रैक्चर हो चुका है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं खेतों में काम कर रहा था तो मैंने खेतों में से ही दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी से प्रार्थना कर गई, मैं गुरुजी आप ही देखना, मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ, पैसा भी मेरे पास इतना है नहीं, मैं ऑपरेशन करवा नहीं पाऊँगा। तो मैंने वहाँ फ़ोन लगा के बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी दया करेंगे और आप कच्चा पट्टा चढ़वा दो उनको अगर डॉक्टर से बात करके। फिर ऐसा करके हमने कच्चा पट्टा चढ़वा दिया तो वो हाथ अपने आप जुड़ गया, 1 महीने के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। माता जी का जो हाथ का जो फ्रैक्चर हुआ था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही मतलब ठीक हुआ है। और मेरी आर्थिक स्थिति मेरी खूब ख़राब थी, अभी मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और शरीर में मेरा स्वस्थ हो गया है, और मैं पहले बीमार बहुत रहता था और बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू जो खाता था, मैं सारे बुरे कर्म छूट गए, मैं बहुत ही गंदा इंसान था, मतलब जो है मैं यार दोस्तों के साथ में बहुत गलत व्यवहार हम लोग करते थे, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, पर स्त्री को बुरी निगाह से देखना, ऐसी हमारी जो बुरी आदतें थी वो सारी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी आदतें सभी सुधर चुकी जी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देंगे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा कबीरदास जी के अवतार आए हुए हैं, उनसे आप उनका ज्ञान सुनो और वो जो नियम बताए वो नियम में रह के अगर भक्ति करोगे तो हमारे को जो लाभ मिल रहे हैं वो आपको भी मिल सकता है। और जल्दी से जल्दी आप आइए और ज्ञान सुनिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा, नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जैसे चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसके अंदर आश्रम के नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे फ़ोन लगा के आप अपने जिले के हिसाब से जहाँ भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।